हाउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके भाई बहनों को, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, सबको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी कदम कदम पर हिफाजत नुमाए। तो मेरे एक भाई ने, इसहाक नकवी साहब ने कमेंट किया है जी, हम सैयद नासरुद्दीन के बेटे के, सैयद फजलुद्दीन के बेटे हैं, तो फजलुद्दीन के बेटों के नाम जो है ना वो अपलोड कर दें। तो मेरे भाई, ये सैयद नासरुद्दीन है और इनके बेटे जो है ना वो मेरे भाई ये हैं, ये देख लें, सैयद शहाबुद्दीन, सैयद अलाउद्दीन, सैयद खालिद, सैयद इल्मुद्दीन, सैयद शरफुद्दीन, सैयद रुकनुद्दीन, ठीक है। और उधर दूसरे आ गया सैयद इस्माइल कुतुब, सैयद जमालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, सैयद फजलुल्लाह रूमी, ठीक है, सैयद अब्दुल करीम और सैयद हलालुद्दीन। तो मेरे भाई, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से जमालुद्दीन, कौन से, क्या आपने कौन से फजलुद्दीन का कहा है। तो यहाँ पर इनके बेटे का नाम सैयद फजलुल्लाह रूमी आया है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इनके पता नहीं किस बेटे की औलाद है, तो आप वीडियो देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप इनके किस बेटे की औलाद है, फिर आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो इन, इसके बाद जो मेरे पास इनका शजरा नसब है ना, वो है जी इनके बेटे सैयद अब्दुल करीम का और सैयद इस्माइल कुतुब का और इनके बेटे सैयद इल्मुद्दीन का और इनके बेटे सैयद रुकनुद्दीन का, ठीक है। इन चारों का शजरा मेरे पास है और बाकी जो है ना, सैयद जमालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, सैयद फजलुल्लाह रूमी और सैयद हलालुद्दीन, और इधर आ जाता है जी सैयद शरफुद्दीन और सैयद खालिद, सैयद अलाउद्दीन और सैयद शहाबुद्दीन। इनका शजरा मेरे पास नहीं है, इनका शजरा आपको उच्च शरीफ से ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख लें कि आप इनके किस बेटे की औलाद में से हैं, और जब आप देख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर आपको अगली बात मैं फिर बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी नाम आ रहे हैं ना, वो सारे आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सब जो भी आप इनमें से देख ले, जो भी आपको समझ आए या जो भी आपके पास शजरा नसब है, तो उसके बाद मुझसे रابطہ कीजिएगा, फिर मैं आपको कोई मशवरा, मज़ीद मशवरा दे सकूँगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो इसी तरह मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा, और सवाल भी, जो कुछ सवाल भी हो आपके, वो पूछा भी करें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैं आपके हर सवाल का जवाब, क्योंकि जो भी मुझे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है ना, तो उसके कमेंट का मैं जवाब लाजमी देता हूँ। ये नहीं कि मैं जवाब नहीं देता, तो क्योंकि जवाब देना फ़र्ज़ है। तो मेरे भाई, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करते रहा करें, तो आपको इसी तरह मालूमाती वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी, तो आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, जहाँ भी रहें खुश रहें। इसहाक नकवी साहब जनाब, आप ये वीडियो देख कर ना फिर मुझसे रابطہ कीजिएगा। तो ये फजलुल्लाह रूमी मेरे पास है इनके, और ये फजलुद्दीन आपने लिखा है, फजलुद्दीन मेरे इनके बेटे किसी का भी नाम नहीं है, फजलुल्लाह रूमी है और फजलुद्दीन किसी का भी नहीं है। तो देखकर, वीडियो देखकर फिर मुझसे रابطہ कीजिएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तो बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।